मोटरसाइकिल मुड़े खप लाइए दौड़ा दे मुड़े चंडा मारिया थप्पड़ मारिया ना पता नहीं की मारिया हथे देखो खून निकले करता है किच मारी मैं नहीं देखा वह मैं क्योंकि मैं मोटरसाइकिल लाया तो मुड़े की खप लगा दी मुड़े फड़े मोटरसाइकिल दौड़िया तो नठी गए ठीक है सर इस मोटरसाइकिल नठिया फिर मिगी पता लगा मिगी लड़ाई लगी ए नहीं पता लड़ाई दी कैदे पर लगी कैदे पर नहीं पंद्रह बंदे घेर लिया गली करो बचेरे कम करा उसी करो बाहर कड्डिया अम्मनी बचेरे कड्डी चाचे मुड़े बाहर कड्डिया करो कहते की बाहर आ दो मिनट गल करनी कदी नहीं लड़ाई यार शरीर मुड़ा यार बाहर नहीं पड़ता बेचारा ले यार एक मारने पिछे घेरी अंदर ही घेरे शीशी मतलब यार भैया ही बाहर पता नहीं बचा ले मौके पर नहीं मारी ना चेती यार देखो ये वार्ड नंबर 4 है बिहाइंड द एसपी ऑफिस तो अभी हम एसपी साहब के साथ मिलने गए थे कोई डेपुटेशन था जहाँ पे कोई मसला था तो वापस जहाँ पे आ रहे हैं तो जहाँ हमारे मेरे जो सभी लोग मेरे अपने हैं कृष्णा नगर के लोग जो हैं तो हमने जहाँ पे देखा कि कुछ लोग जो हैं उनको पकड़ा हुआ है कुछ नौजवान बच्चे जो हैं दो तीन चार उनको पकड़ा हुआ है और दो चार बच्चों को वो मारने के लिए जहाँ पे आए थे और हमने देखा हाथ उनका वो किर्च कुर्च कहते हैं या कुछ भी वो मारी है या कुछ भी है लेकिन ये बड़ी गलत बात है। मैं आपके माध्यम द्वारा एसएसपी साहब को बोल दूँगा कि ऐसे दिन दहाड़े ये ऐसी गुंडागर्दी जो है ये कठुआ के अंदर बड़े सोचने वाली बात है कि कठुआ के अंदर ऐसी गुंडागर्दी कि दोपहर के 1 बजे जहां कृष्णा कॉलोनी के पास और बिल्कुल एसएसपी साहब की पिछली 4 दीवारी के साथ हादसा हो रहा है और इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं एसएचओ सुधीर जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एसएचओ साहब चोरियां भी हो रही हैं सब कुछ हो रहा है तो अब जो गुंडागर्दी मारने तक अगर ये लोग मेरे लोग सतर्क ना होते तो मेरे ख्याल उसके बच्चे का कत्ल हो जाता। ऐसी बात जो है ये बिल्कुल निंदनीय है हम इस घटना की निंदा करेंगे और जो लोग कल्पित होंगे उसका पूरा संज्ञान लो कि ऐसी बात बनी कैसे है ये कौन से बच्चे हैं जो दिन दहाड़े 10 ये कह रहे हैं कि 10-12-15 बच्चे जो हैं वो आए हैं मोटरसाइकिल लेके या कोई पुलिस मौके पे जहाँ पे पहुँच गई है पुलिस ने उनको 3 बच्चों को जो इन्होंने पकड़े थे वो पुलिस अपने साथ ले गई है और जिस बच्चे को जख्मी किया है जब बाकी वाले जो बच्चे वो थोड़े थोड़े जख्मी हुए हैं वो हॉस्पिटल नहीं गए हैं तो हम चाहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस खास तौर से एसएसपी साहब से कि ये दिन दहाड़े ऐसी वारदातें जो हैं ये अंजाम नहीं होनी चाहिए कठुआ के अंदर। ऐसी क्या मजबूरी बन गई है कि यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसका मतलब ये काम काज करने वाले दिहाड़ीदार लोग हैं जो हमारे कृष्णा कॉलोनी के और इन दिहाड़ीदारों ने दिहाड़ियाँ लगानी है अपने बच्चे बचाने हैं या इनका इलाज करना है इसके ऊपर बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूँगा मैं एसएसपी साहब के साथ हमारे एएसपी साहब भी जहाँ पे आए हैं वो भी बड़े मैं उनका कार्य शैली देख रहा हूँ टीवी के अंदर अच्छी है परफॉर्मेंस अच्छी है तो एसएचओ साहब से मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे गुंडा तत्व जो होंगे उनके ऊपर नकेल